हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। इसमें भी 50 एमसीक्यू होंगे। इसके पहले मैं पहला पार्ट दे चुका हूँ और ये रेडीमेड मटेरियल है, मैं फिर से कहता हूँ, तो बस इसे आप एज अ प्रैक्टिस ही लें। बाकी आप सेक्शन या बेयर एक्ट को जरूर एक बार देख लें। और इसी तरह के मैं करीब 2-3 वीडियो और आगे दूंगा जिससे मैं सारा राजस्व संहिता को कवर कर सकूं। तो इस तरह से करीब ये 4 पार्ट तक जाएगा और 5वें पार्ट में मैं आपको 2018 के तीनों एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्व संहिता से वो सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में इकट्ठे करूँगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी तक हमने जो एमसीक्यू पढ़े हैं और जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे गए हैं उनके मूड में और उनकी फ्रेमिंग में क्या डिफरेंस है, किस टाइप से ये क्वेश्चन को उस टाइप में फ्रेम किया जा सकता है। ये आपको मैं लास्ट वीडियो में, इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है, कलेक्टर द्वारा नक्शे में संशोधन का आदेश और उपखंड अधिकारी द्वारा खसरा या खतौनी में संशोधन के आदेश के विरुद्ध अपील कितनी अवधि के भीतर की जा सकेगी? तो अपील के लिए राजस्व संहिता में 30 डेज ही प्रेस्क्राइब किए गए हैं जहां कहीं भी अपील की व्यवस्था की गई है। नक्शा, खसरा और खतौनी में संशोधन के लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? तो देखिए, इनमें जो संशोधन होता है वो तो कलेक्टर महोदय करते हैं, लेकिन संशोधन के लिए जो आवेदन दिया जाएगा वो तहसीलदार महोदय को दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नक्शा या खसरा या खतौनी में संशोधन के लिए आवेदन किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा? तो ये आवेदन सेक्शन 38 के तहत दिया जाएगा और तहसीलदार महोदय को दिया जाएगा और इसके बाद जो संशोधन की संस्तुति होगी, जो संशोधन का अंतिम आदेश होगा, वो कलेक्टर महोदय करेंगे। अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा ये सेक्शन 43 के अंतर्गत अभिलेखों और सर्वेक्षण की संक्रिया की अधिसूचना राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 43 के तहत प्रकाशित करती है। नया अधिकार अभिलेख किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी को भी अधिकार अभिलेख कहते हैं, तो ये सेक्शन 51 के तहत तैयार किया जाता है। ये सीधे सीधे सेक्शन ही याद रखने हैं। नया अधिकार अभिलेख कौन तैयार करता है? तो अधिकार अभिलेख को तैयार करने के लिए राजस्व संहिता में अभिलेख अधिकारी की व्यवस्था की गई है, तो ये अभिलेख अधिकारी ही इन अधिकार अभिलेखों को तैयार करते हैं। अधिकार अभिलेख की पुष्टि या उसमें संशोधन कौन करता है? तो जो अधिकार अभिलेख है
उनकी पुष्टि और संशोधन सहायक अभिलेख अधिकारी करते हैं। सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की भूमि से बेदखल करने के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? तो चूंकि अपील हमेशा नीचे से ऊपर को जाएगी, तो सहायक अभिलेख अधिकारी यदि इस तरह का कोई संशोधन या पुष्टि कर देते हैं तो इनके विरुद्ध अपील अभिलेख अधिकारी को जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है कि आपको जो कि पद सोपान की एक व्यवस्था है अधिकारियों की, वो आपको एक बार देखना है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नीचे से ऊपर की ओर अपील जाती है तो कहां से कहां जाएगी। अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की नियुक्ति कलेक्टर करते हैं, उनके अलावा सभी अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो अभिलेख अधिकारी की भी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। जिले की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का परीक्षण कौन करता है? तो अभिलेख संबंधित जितने भी कार्य हैं वो अभिलेख अधिकारी या सहायक अभिलेख अधिकारी ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सर्वेक्षण जिले के अंदर की बात है, तो जिले की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया के दौरान जो अभिलेख है उनका परीक्षण अभिलेख अधिकारी ही करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो गांव और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने का आदेश अभिलेख अधिकारी द्वारा किसे दिया जाएगा? तो ये जो नई संहिता है इसमें सीमा चिन्हों या सीमाओं को सीमांकित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को और भूमिधर दोनों को दी गई है, दोनों को रिस्पांसिबल बनाया गया है, इसलिए इसमें ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। धारा 48 यानी 48 के अधीन अभिलेख अधिकारी उद्घोषणा जारी करता है कि ग्राम पंचायत और भूमिधर गांव और क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कर ले। ऐसा सीमांकन आदेश से कितने दिन के भीतर करना होगा? तो यहाँ डिफरेंट है, इसमें 15 दिन के अंदर करना होगा। तो ये दिन पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइम है। तो सीमांकन आदेश के 15 दिन के अंदर करना होता है, ये सेक्शन 48 में व्यवस्था की गई है। चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन कौन करता है? तो अभिलेख का परीक्षण करना है, अधिकार अभिलेख का परीक्षण करना है, तो इसके लिए अभिलेख अधिकारी बनाए गए हैं, तो वही इसका परीक्षण करेंगे, वही इसका पुष्टिकरण करेंगे, सत्यापन करेंगे, सर्टिफाई करेंगे। चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के बाद अभिलेख में लेखन संबंधी भूलों और त्रुटियों के संबंध में आपत्ति किसे दी जाएगी? तो अगर इस तरह के जो चालू अधिकार अभिलेख हैं उनमें लेखन संबंधी भूलों और त्रुटियों के संबंध में आपत्ति नायब तहसीलदार को दी जाएगी, ये याद रखने की बात है। बस ये याद रखना है, लेखन संबंधी भूल होनी चाहिए इनके लिए, या लेखन संबंधी कोई त्रुटि होना चाहिए, उसके लिए जो आप आपत्ति का आवेदन करेंगे वो नायब तहसीलदार को ही करेंगे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। चालू अधिकार अभिलेख में की त्रुटियों को ठीक करने के लिए आपत्ति नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसका टाइम पीरियड 21 डेज है, तो विद इन 21 डेज आपको ये आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करना होगा नायब तहसीलदार के समक्ष। और नायब तहसीलदार अधिकार अभिलेखों के संबंध में केवल लेखन संबंधी त्रुटियों को ही भूलों को ही ठीक कर सकते हैं, ये उनको पास पावर है। तो ये याद रखना है, लेखन संबंधी भूल या फिर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अंकी त्रुटि हो गई हो, कोई अंक या तो लिख नहीं पाया है या गलत लिख गया है, ऐसी कुछ त्रुटियों को सुधारने का पावर नायब तहसीलदार को दिया गया है। और ये 20 डेज के भीतर आपको ये आपत्ति करनी होगी। नए अधिकार अभिलेख में त्रुटियों को नायब तहसीलदार निपटारा करेगा, तो कैसे निपटारा करेगा ये बताया गया है। जो भी नए अधिकार अभिलेख हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई है इस तरह की, तो नायब तहसीलदार पक्षों के बीच समझौता द्वारा ही इनका निपटारा करेंगे, त्रुटियों को सुधारेंगे। तो पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा वो इन त्रुटियों को सुधारेंगे, ये व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि धारा 49 क्लास 5 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट के संबंध में हक के विवाद का निपटारा करना है, तो हक के विवाद का निपटारा पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा नायब तहसीलदार यदि नहीं करा पाता तो उसका विनिश्चय किया जाएगा। तो अगर हक के विवाद का निपटारा, तो चूंकि नायब तहसीलदार तो मामले को पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा ही निपटाएंगे, तो यदि पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा मामला नहीं निपट पाता है तहसीलदार महोदय के द्वारा, तो फिर उस मामले को कौन विनिश्चय करेगा? तो वो मामला सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा, उसका विनिश्चय किया जाएगा। तो ये याद रखना है कि पहले तहसीलदार महोदय करेंगे, और अगर वो नायब तहसीलदार नहीं कर पाते हैं मामले का विनिश्चय, तो वो सहायक अभिलेख अधिकारी के पास भेज देंगे और वो इनका विनिश्चय करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी भी कहते हैं की पुष्टि कौन करता है? तो अधिकार अभिलेख की पुष्टि ये सहायक अभिलेख अधिकारी करेंगे। यहाँ याद रखना है कि अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी में कुछ पावर को लेकर के डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो चालू अधिकार अभिलेख हैं उनका परीक्षण अभिलेख अधिकारी करेंगे, और जो अधिकार अभिलेख है जिसे खतौनी कहते हैं उसका पुष्टि सहायक अभिलेख अधिकारी करेंगे। लेकिन जो चालू अधिकार अभिलेख है उनका, उनकी जो पुष्टि है, उनका जो सत्यापन है, वो अभिलेख अधिकारी करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर चालू अधिकार अभिलेख है तो अभिलेख अधिकारी को पावर है, और यदि अधिकार अभिलेख है जिसे खतौनी है तो इस पे सहायक अभिलेख अधिकारी को पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नया अधिकार अभिलेख कौन रखता है? तो नया अधिकार अभिलेख
कलेक्टर महोदय रखते हैं। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि चालू अधिकार अभिलेख हो गया, फिर इसके बाद अधिकार अभिलेख हो गया जो जिसे खतौनी कहते हैं, और इसके बाद ये नया अधिकार अभिलेख। अभी आपने देखा कि ये नया अधिकार अभिलेख कौन तैयार करता है, तो अभिलेख अधिकारी तैयार करते हैं। तो ये तैयार अभिलेख अधिकारी करते हैं और इनका जो रख रखाव है, रक्षण अनुरक्षण है, वो कलेक्टर महोदय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क मार्गों, वृक्षों या फलदार वृक्ष के संबंध में यदि कोई विवाद पैदा होता है तो विवाद का विनिश्चय कौन करेगा? तो इस तरह के विवाद का विनिश्चय कलेक्टर महोदय ही करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इस संहिता की धारा 58 के अंतर्गत कलेक्टर के विनिश्चय के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? तो कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील कलेक्टर से ठीक ऊपर आयुक्त के समक्ष होगी। तो कलेक्टर से ठीक जो ऊपर है वो आयुक्त महोदय हैं, तो उनके विनिश्चय के विरुद्ध जो अपील जाएगी वो आयुक्त महोदय के पास जाएगी, और सेक्शन 58 है, याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है, सेक्शन 58 के अंतर्गत बच्चों पर अधिकार के संबंध में कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त को कितनी अवधि के भीतर की जाएगी? तो अपील जितनी भी दी गई हैं उनका एक ही टाइम पीरियड है 30 डेज, वो किसी भी सेक्शन में दी गई है। किसी लेवल से किसी लेवल पे जाने का जो व्यवस्था है उसका टाइम लिमिटेशन 30 डेज का है। सीमांकन के लिए 15 डेज है, वो आप याद रखिएगा। और जो चालू अधिकार अभिलेख होते हैं उनमें उनके विरुद्ध यदि आपको कोई उनसे कोई पीड़ित है, कोई जो नायब तहसीलदार महोदय ने आदेश दे दिया है उससे आप खुश नहीं हैं, तो फिर आप तो जो चालू अधिकार अभिलेख है उनमें कोई त्रुटि है तो उसको लेकर के अगर आपको आपत्ति नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ करना है, तो फिर उसके लिए जो टाइम है वो 21 डेज है। तो बस ये है, ये अपील के लिए 30 डेज है, सीमांकन के लिए 15 डेज है, और नायब तहसीलदार के यहाँ चालू अधिकार अभिलेख के संबंध में कोई आपत्ति आपको उनको उनकी त्रुटियों को लेकर के फाइल करना है तो 21 डेज है। ये आपको टाइम लिमिटेशन याद रखना चाहिए। राज्य सरकार ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को निम्नलिखित चीज़ें सौंप सकती है, तो ये सेक्शन 59 में बताया गया है। और जो पुरानी संहिता थी UPZLR, उसका जो सेक्शन 117 था उसमें जो भी शक्तियाँ थीं वो सारी शक्तियाँ, जो भी पावर्स उसमें बताए गए थे वो सारे पावर्स सेक्शन 59 में नई संहिता में रख दिए गए हैं, इसमें शामिल कर दिया गया है। तो भूमि संबंधित भूमि प्रबंधक समिति के पास जो भी पावर्स थे वो 59 पे आ गए हैं। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, राज्य सरकार ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को निम्नलिखित चीज़ें सौंप सकती है, तो ये सारी चीज़ें मत्स्य क्षेत्र, आबादी स्थल, खलिहान, ये सारे क्षेत्र और भी बहुत से हैं, बाजार हाट मेले जो भी है, ये सब 59 के अंतर्गत रख दिए गए हैं। तो ये राज्य सरकार ग्राम पंचायत को या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इंटरेस्ट कर सकती है, और चूंकि राज्य सरकार इंटरेस्ट कर सकती है तो इसमें अपवाद भी है कि वो चाहे तो कुछ चीज़ों से उनको दूर भी रख सकती है, उनको वो उन पर इंटरेस्ट नहीं कर सकती है।
ग्राम पंचायत में निहित या उसे सौंपी गई भूमि या अन्य चीजों का अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो चूंकि ये ग्राम पंचायत को सौंपी गई हैं, तो इनका नियंत्रण, प्रबंधन, संरक्षण भी वही करेगी, भूमि प्रबंधक समिति, जो ग्राम पंचायत होगी वही भूमि प्रबंधक समिति भी होगी, इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये जो राजस्व संहिता है उसकी जो धारा 60 है उसमें ये बताया गया है कि उसका अनुरक्षण, संरक्षण, अधीक्षण, नियंत्रण भूमि प्रबंधक समिति करेगी। ग्राम तालाबों का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम तालाबों का प्रबंध ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। वहाँ 1660 में अधीक्षण है, संरक्षण है, प्रबंधन है, नियंत्रण है, और यहाँ प्रबंधन है। तो ग्राम तालाब, जो भी गांव में तालाब हैं, ये ग्राम पंचायत के कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि वो पीने की जल की व्यवस्था करे। गांव में जो भी तालाब हैं, कुएं हैं, उनका सही प्रबंधन करे, जिससे जो पेयजल है उसकी समस्या उत्पन्न ना हो पाए। तो इसलिए इसमें ग्राम पंचायत है तालाबों के संबंध में। और जो भी चीज़ें ग्राम पंचायत में निहित हो जाती हैं उनका प्रबंधन, नियंत्रण भूमि प्रबंधक समिति की जिम्मेदारी होती है, तो वो सेक्शन 60 में बताया गया है। और तालाबों के प्रबंधन के संबंध में भी सेक्शन 60 में ही बताया गया है। आप एक्ट, बेयर एक्ट साथ में रख लीजिए, मैच कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, टिक कर लेंगे, तो आपको आसानी होगी और रिवाइज करने में। वादों और विधिक कार्रवाइयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेक्शन 60 में ही बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई संचालित करनी है तो वो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन है, वादों और विधिक कार्यवाहियों में समझौता या वादों का प्रत्याहरण कौन कर सकता है? तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ग्राम प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ने शुरू करी है या किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत के विरुद्ध करी है, तो ऐसे वादों में समझौता या वादों को वापस लेना उपखंड अधिकारी के अनुमति के पूर्व अनुमति से ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। यानी कि करेगी तो ग्राम पंचायत, लेकिन ग्राम पंचायत को उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, उनका अनुमोदन लेना होगा, तभी ग्राम पंचायत कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कौन करता है? तो भवन निर्माण हेतु जो आवंटन की व्यवस्था है वो धारा 63 में की गई है। और भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत में भूमि प्रबंधक समिति करती है, और इसकी एक लिस्ट दी गई है, उसमें प्रिफ्रेंशियल कैटेगरी भी दी गई है कि किनको पहले मिलेगा, फिर उनके बाद फिर किसको मिलेगा, फिर किसको मिलेगा। लेकिन ये जो आवंटन होगा वो उपखंड अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से भूमि प्रबंधक समिति करेगी। मतलब ये कि करेगी तो भूमि प्रबंधक समिति ही, लेकिन उसके लिए उपखंड अधिकारी का पूर्व अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इसमें
यहाँ तक न दिया हो, और ये चार विकल्प दिए हों, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, लेखपाल और इसके बाद कोई अन्य समिति, यानी कि इसको वो चेंज कर देंगे, लेकिन भूमि प्रबंधक समिति कहीं ना कहीं रहेगी। तब भी जब चार हमारे सामने होंगे तब ऐसी स्थिति में सबसे सही विकल्प भूमि प्रबंधक समिति ही होगा। तब ऐसी स्थिति में वो आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में ऐसे कुछ MCQ देखे हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, अगर एग्जाम में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आता है जैसा कि सेक्शन 63 में लिखा है तो सेम यही लिखा है, तो आप इसको टिक करें। या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में नियरेस्ट भी हमको देखना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप सावधान रहें, क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ और समझ करके ही उसमें आंसर टिक करें। अब आबादी स्थलों के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति भूमि प्रबंधक समिति को किस को इस संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो चूंकि आवंटन की व्यवस्था सेक्शन 63 में ही किया गया है इसी संहिता के, तो इसका आंसर धारा 63 होगा। और ये वो भूमियां होंगी जिनका उल्लेख इसी संहिता की धारा 59 में किया गया है। तो ये जो आवंटन की व्यवस्था है वो 63 में की गई है। ये जो भूमि प्रबंधक समिति है वो किस तरह की भूमियों का आवंटन करेगी वो सेक्शन 59 पढ़ने से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, इस संहिता की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की ओर से वादों का संचालन करने की शक्ति भूमि प्रबंधक समिति को दी गई है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष द्वारा संचालन किया जाएगा। यहाँ पर जब ग्राम पंचायत के विरुद्ध कोई वाद संचालित किया जाता है, वो सेक्शन पूछ रहा है यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति अगर इस ग्राम पंचायत के विरुद्ध कोई वाद संचालित करता है तो ग्राम पंचायत की ओर से उन कार्यवाहियों को जो भूमि प्रबंधक समिति संचालित करेगी वो किस सेक्शन में बताया गया है, ये बताना है आपको, तो उसके लिए है धारा 62। तो जो भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष द्वारा या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा की जाएंगी वो तो 60 के अंतर्गत है, लेकिन जब इनके विरुद्ध कोई वाद संचालित किया जाता है तो उस वाद में जो ये इनकी ओर से जो भी कार्रवाई की जाएगी जो भूमि प्रबंधक समिति करेगी उसका जो पावर है उसका जो सेक्शन है वो 62 में बताया गया है। राजस्व संहिता की धारा 63 के अंतर्गत आबादी स्थलों के लिए भूमि आवंटन हेतु किससे अनुमति लेगा, यानी कि भूमि का जो आवंटन है आबादी स्थलों के लिए सेक्शन 63 में, वो आवंटन किसकी अनुमति से होगा ये आपको बताना है। तो ये जो आवंटन होगा ये उपखंड अधिकारी महोदय की अनुमति से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को कौन दिलाएगा? तो ये सेक्शन 65 में बताया गया है कि कब्जा कौन दिलाएगा आवंटी को। तो आवंटी को कब्जा उपखंड अधिकारी दिलाएंगे। अब देखिए ऐसा है कि अगर सेक्शन 63 के अंतर्गत कोई भूमि आवंटित कर दी गई है किसी व्यक्ति को,
और उसने उस पर कब्जा कर लिया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जो होते हैं वो उन व्यक्तियों के भूमि में कब्जा कर लेते हैं जिनको भूमि आवंटन में मिली है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में सेक्शन 64 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आवंटित भूमियों पर अपना कब्जा कर रखा है, तो यदि उसकी सूचना उनको मिलती है या उनके द्वारा दी जाती है, तो फिर सेक्शन 65 का रोल आता है कि ये सूचना जब उपखंड अधिकारी को मिलती है अपने चैनल के माध्यम से या उस पीड़ित व्यक्ति के माध्यम से, तो फिर उपखंड अधिकारी उसको वहाँ से जो भी जबरदस्ती कब्जा किए हुए व्यक्ति है उसको उस कब्जे से हटाएंगे, बेकब्जा करेंगे और उस व्यक्ति को वो भूमि देंगे जिसका जो व्यक्ति उस भूमि का हकदार है, जो उसका आवंटी है, उसको वो देंगे। और इसके लिए उपखंड अधिकारी आवश्यक बल का प्रयोग भी कर सकते हैं, यदि अगर आवश्यकता पड़ती है बल का प्रयोग करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, 65 में बताया गया है। इस संहिता की धारा 65 के अंतर्गत बेदखल करने के पश्चात ऐसा व्यक्ति पुनः कब्जा कर लेता है तो उसे दंडित किया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को जिसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उपखंड अधिकारी ने उसको बेकब्जा कर दिया, बेकब्जा करने के बाद अगर वो उसी जगह पर या फिर से कब्जा कर लेता है तो उसके लिए ये सजा की व्यवस्था की गई है। और ये जो सजा की व्यवस्था है वो अधिकतम लिमिट बताई गई है कारावास से, जो 2 वर्ष तक का होगा, ये व्यवस्था की गई है। लेकिन उसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि 3 मंथ से कम का नहीं होगा। कारावास 2 वर्ष तक का तो हो सकता है लेकिन 3 महीने से कम का नहीं होगा, ये कंफर्म कर दिया गया। और जुर्माना भी लगाया जाएगा उसमें, और जो कि 3,000 रुपये तक का हो सकता है। तो जुर्माना 3,000 रुपये तक का हो सकता है सेक्शन 65 में। जो अधिकतम सज़ा है वो 2 वर्ष तक की है और जो न्यूनतम सज़ा है वो 3 महीने की है, यानी कि 3 महीने से कम की तो होगी नहीं लेकिन 3 महीने से अधिक 2 वर्ष तक हो सकती है, तो ये व्यवस्था की गई है। और अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है कि आवंटन की गई भूमि पर आवंटी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है और ऐसे अन्य व्यक्ति को कब्जे से बेदखल किया जाता है लेकिन वह व्यक्ति भूमि पर पुनः कब्जा कर लेता है तो उसे दंडित किया जाएगा, तो उसे कारावास की भी व्यवस्था है और जुर्माने की भी व्यवस्था है, जो अभी हमने पढ़ा। कारावास कम से कम 3 महीने, अधिकतम 2 वर्ष तक का, और जुर्माना 3,000 रुपये तक का हो सकता है। तो इसका मतलब कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी सेक्शन से है, काफी बड़ा सेक्शन है, पढ़ने लायक है। और चूंकि हम लोग जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी HJS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें ये दंड की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसमें कितना दंड है, ये इस पर थोड़ा सा फोकस रहता है और थोड़ा कुछ प्रोसीजर को लेकर के भी फोकस रहता है। जो क्वेश्चंस के मूड देखने को मिलते हैं पेपर में वो कुछ ऐसा ही है, तो पेनाल्टी वगैरह भी तो इन पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। तो इसमें ये पूछा गया कि संहिता की धारा 65 का सब क्लास 2 के अधीन कारित अपराध का विचारण कौन करेगा, यानी कि इसके पहले जो हमने पढ़ा कि जो आवंटी
की भूमि पर कब्जा कर रखा व्यक्ति है और उसको बेदखल कर भी किया गया, उसके बाद भी उसने कब्जा कर लिया, तो ऐसे मामलों का विचारणा कौन करेगा? तो सेक्शन 65 के क्लास 3 में इसकी व्यवस्था की गई है कि जो 65 के क्लास 2 में जो भी अपराध की व्यवस्था की गई है उसका विचारण जो होगा वो उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी होगा, वही करेगा। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार को ये पावर है, ये एक स्पेशल कोर्ट है, यह राज्य सरकार स्पेशल कोर्ट ऐसे अपराधों को सुनने के लिए बना सकती है या इन्हीं कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बता सकती है। तो ये जो उप जिला मजिस्ट्रेट होंगे जो की श्रेणी से जो अनिम्न पंक्ति का अधिकारी होगा उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की जो पावर होती है वो सारी पावर इनको दी जाएंगी और एज ए स्पेशल कोर्ट ये काम करेंगे और ऐसे मामलों का विचारण करेंगे। इसके लिए आप सेक्शन 65 का सब क्लास 3 देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। राजस्व संहिता की धारा 65(2) के अधीन दंडनीय अपराध होगा, तो ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। चूंकि आपने देखा कि वो स्पेशल कोर्ट का वो विचारण करेगा, तो जनरली ऐसे अपराध संज्ञेय और अजमानती ही बनाए जाते हैं। तो सेक्शन 65(2) के अंतर्गत याद रखना है कि जो भी अपराध है वो संज्ञेय है और अजमानती है। या आप ऐसे याद रखिए कि आवंटित भूमि पर यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है जिसका उसमें कोई हक नहीं है, जिसे वो भूमि आवंटित नहीं की गई है, अगर उसने कब्जा कर रखा है तो ऐसे मामलों के विचारण ऐसे मामलों का जो विचारण होगा वो एक तरह का स्पेशल कोर्ट होगा जो करेगा, और उसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी, और जो भी वो अपराध है वो संज्ञेय और अजमानती होगा। ये 3-4 बातें 65 के लिए लाइन से कर लीजिए अपने हिसाब से। आबादी स्थलों के अनियमित आवंटनों की जांच कौन करेगा, या अनियमित आवंटन को कौन निरस्त कर सकता है? तो ये कलेक्टर महोदय ऐसे आवंटन को निरस्त कर सकते हैं जो अनियमित हैं, लेकिन इसकी जो सूचना है वो सेक्शन 60 में दी जाएगी और इसका जो कैंसिलेशन है वो सेक्शन 66 के तहत कलेक्टर महोदय करेंगे। तो अगर अनियमित आवंटन है तो उसकी जांच या उसको निरस्त करने का पावर संहिता के अंदर कलेक्टर महोदय को है, सेक्शन 66। और ऐसे आवंटन अनियमित है इसकी सूचना सेक्शन 60 के तहत पहुंचाई जाएगी। तो 60 में बताया गया है सूचना के लिए और उसका जो रिजल्ट है वो 66 में आपको मिलेगा। अब आवंटन निरस्त करने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तो सेक्शन 66 का एक्सेप्शन में नीचे दिया गया है कि ऐसा आवेदन 3 वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा, यानी कि आवंटन की दिनांक से 3 वर्ष के अंदर उसके कैंसिलेशन के लिए उसकी अनियमितता की जांच के लिए तो आवेदन किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो फिर उसके पश्चात नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अनियमित आवंटन को निरस्त करने की शक्ति कलेक्टर को किस धारा के अंतर्गत है? तो कलेक्टर महोदय ही करते हैं, अभी हमने पढ़ा वो सेक्शन 66 है, तो इसको सेक्शन 66 है, तो इसकी धारा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ऊपर के ये जो आवंटन से संबंधित दो क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण है। सेक्शन 65 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सेक्शन 60 और सेक्शन 66, तो ये सेक्शन आपको बेयर से देख लेने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और अच्छे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, या वित्त विरुद्ध कब्जे में रखता है, तो उसे भूमि से बेदखल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये सेक्शन 67 है, जिसमें सहायक कलेक्टर को पावर है कि वो उस व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दे जो ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या ग्राम पंचायत में निहित भूमि को अपने कब्जे में रखता है। तो सहायक कलेक्टर को पावर है, और जो ग्राम पंचायत है या लेखपाल हैं इनके द्वारा नोटिस दिया जाएगा सहायक कलेक्टर को, तो कि कोई व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है या ग्राम पंचायत की भूमि को अपने अवैध कब्जे में रखे हुए है, इस बात की सूचना नोटिस ग्राम पंचायत या लेखपाल सहायक कलेक्टर को देंगे। इसके बाद सहायक कलेक्टर अपना समाधान कर लेंगे, और यदि उनको लगता है कि ये ठीक है, बात सही है, तो जिस व्यक्ति का नाम लिख नोटिस में दिया गया है उस व्यक्ति को सहायक कलेक्टर नोटिस करेंगे और उनको शो काज नोटिस देंगे, उनको पूछेंगे कि आपको ऐसी भूमि से क्यों ना बेदखल कर दिया जाए, या आपके ऊपर ऐसा प्रतिकर क्यों ना लगाया जाए, ऐसा वो सहायक कलेक्टर पूछेंगे। नोटिस दे करके उसे आना होगा और अपने कारण को स्पष्ट करना होगा, और यदि वो व्यक्ति दोषी है तो उसे या वो प्रतिकर देना पड़ सकता है और उस भूमि से उसको बेदखल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति दोषी नहीं है, आकर के अपना कारण स्पष्ट करता है और सहायक कलेक्टर महोदय को लगता है कि वो दोषी नहीं है, तो उसे उससे मुक्त किया जाएगा, यानी कि उस नोटिस को जो सहायक कलेक्टर महोदय ने उसके खिलाफ उसके नाम से जारी की है उसे रद्द कर दिया जाएगा। अब जो धारा 67 है उसके अंतर्गत जो भूमि की बात आती है ना, जिस भूमि में वो काबिज है, अवैध रूप से काबिज है, तो जो लैंड वर्ड का यूज किया गया है सेक्शन 67 के अंतर्गत, तो उस लैंड का जो अर्थ है, जो उसका एक्सटेंशन है, वो इसी धारा के लिए है, और उसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 67 के अंतर्गत जो लैंड वर्ड का यूज किया गया है उस लैंड में लैंड इंक्लूड्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, तो उस लैंड में वृक्ष और भवन भी शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि सेक्शन 67 के अंतर्गत लैंड इंक्लूड्स और नीचे चार दे दिए गए, तो वो क्या है, तो आप याद रखिए सेक्शन 67 में स्पष्ट कर दिया गया है कि लैंड इंक्लूड्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है इसी सेक्शन से है, धारा 67 के उपधारा 3, तो 3 अकेले नहीं, 3 और 4 दोनों बेर आप देखिएगा, तो 3 और 4 दोनों के अधीन सहायक कलेक्टर आदेश कर सकते हैं। वो
अभी जो मैंने बताया सहायक कलेक्टर की वो पूरी प्रक्रिया, वो धारा 67 का सब क्लास 3 और 4 ही था। तो 3 और 4 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर यदि कोई आदेश देते हैं, आदेश देने का मतलब है या तो उसे बेदखल करने का आदेश देते हैं या प्रतिकर जो भी क्षति हुई है वो जमा करने का आदेश देते हैं, और कोई व्यक्ति उससे क्षुब्ध हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, उसे लगता है मेरे ऊपर तो ये ज़बरदस्ती थोप दिया गया है या मुझे ज़बरदस्ती इस आदेश से बेदखल किया जा रहा है, तो वो अपील पे जाएगा। धारा 3 और 4 में जो भी आदेश हो गया है अगर उसे निर्दोष साबित कर दिया गया या उस व्यक्ति ने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया है और सहायक कलेक्टर महोदय को लगता है कि नहीं ये दोषी नहीं है तो उन्होंने नोटिस रद्द कर दी है, तो जो दूसरा पक्षकार है उसे उसे पीड़ा होगी। तो अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो सहायक कलेक्टर के आदेश से व्यथित व्यक्ति एक तो कलेक्टर के यहाँ अपील करेगा, क्योंकि सहायक कलेक्टर की अपील कलेक्टर के यहाँ होगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपील कितने दिनों में होगी, तो अपील जहाँ कहीं भी सेक्शन में दी गई है सब में 30 डेज दिया गया है, तो अपील 30 दिनों के भीतर की जाएगी। और ये व्यवस्था धारा 67 के सब क्लास 5 में दी गई है। तो धारा 3 और 4 के अंतर्गत जो भी आदेश है उन आदेश से पीड़ित व्यक्ति धारा 67 के सब क्लास 5 में अपील की जो व्यवस्था की गई है वो अपील में जा सकता है। वो अपील कलेक्टर महोदय के यहाँ होगी, 30 दिन के अंदर होगी। भूमि प्रबंधक समिति को आदेश या निर्देश कौन जारी कर सकता है? तो जिले में राजस्व का जो सबसे बड़ा अधिकारी या प्रभारी होता है वो कलेक्टर होता है, तो भूमि प्रबंधक समिति को आदेश या निर्देश जारी कर सकते हैं कलेक्टर महोदय। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, यदि भूमि प्रबंधक समिति अपने कृत्यों का निष्पादन करने योग्य नहीं है तो कलेक्टर उसके कर्तव्यों शक्तियों और कृत्यों का निष्पादन करने का निर्देश किसे दे सकता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 71 बताया गया है कि यदि कोई ऐसी भूमि प्रबंधक समिति है जो अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है तो कलेक्टर महोदय नायब तहसीलदार से निम्न श्रेणी के अधिकारी को उसकी जगह नियुक्त कर देंगे जो भूमि प्रबंधक समिति के सारे दायित्वों को कृत्यों का निष्पादन करेगी। सेक्शन 71, तो ये भी ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भूमि प्रबंधक समिति के स्थान पर कोई अन्य अधिकारी जो नायब तहसीलदार से नीचे करना हो के कार्यों को करने की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो अभी हमने पढ़ा वो सेक्शन 71 है, 71 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि भूमि प्रबंधक समिति अपने कार्य करने में सक्षम ना हो, अयोग्य हो गई हो, तो कलेक्टर महोदय उसके स्थान पर नायब तहसीलदार या उससे ऊपर के किसी अधिकारी को वो उस जगह नियुक्त कर देते हैं, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था कर देते हैं, और ये बात बताई गई है 71 में। भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों का निष्पादन तहसीलदार से निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा किए जाने का निर्देश कौन दे सकता है? तो ये अभी 71 पढ़ा और उसमें कलेक्टर महोदय को पावर है कि कलेक्टर महोदय नायब तहसीलदार या उससे ऊपर, नायब तहसीलदार से अन्यून नहीं होना चाहिए, अनिम्न नहीं होना चाहिए, बस उससे ऊपर तहसीलदार भी हो सकते हैं, ये जैसी भी उपलब्धता हो उनके पास, लेकिन नियुक्ति करने का जो पावर है वो कलेक्टर महोदय को है, ये भी सेक्शन 71 से ही बताया गया है। अब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति
धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को किसकी अनुमति से रख सकती है। तो जो पैनल लायर्स होते हैं उनसे भिन्न की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति धारा 72 के अधीन जो अधिवक्ता नियुक्त होते हैं उनसे भिन्न यदि कोई विधि व्यवसायी वो रखना चाहते हैं तो उनसे आप कलेक्टर महोदय से उनको अनुमति लेनी होगी, अदरवाइज वो नहीं रखवाएंगे। और तहसील के लिए जो पैनल अधिवक्ता राजस्व की नियुक्ति की जाती है तो जो पैनल अधिवक्ता होते हैं उनकी भी नियुक्ति कलेक्टर करते हैं, तो इनकी नियुक्ति कलेक्टर महोदय ही करते हैं तो उनको तो वो रख ही सकते हैं। लेकिन पैनल अधिवक्ताओं से भिन्न अगर कोई वो रखना चाहती है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति तो कलेक्टर महोदय से उनको अनुमति लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज पैनल लायर तो कलेक्टर महोदय खुद ही नियुक्त कर रहे हैं। और ये व्यवस्था 72 में ही, सेक्शन 72 में ही दी गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, तो यहाँ पर जो ये जो शासकीय अधिवक्ता हैं, पैनल लायर नहीं, वो तो कलेक्टर महोदय उनकी एक नामावली बना देते हैं, रिकमेंडेशन आ जाती है वो कर देते हैं। लेकिन जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो ये राज्य सरकार करती है, ये भी क्वेश्चन वैसे इजी है लेकिन एजीएस है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। तो सेक्शन 72 भी आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छा है, क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे राजस्व मामलों के लिए स्थायी अधिवक्ताओं की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो जो भी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की व्यवस्था है वो संहिता की धारा 72 में ही, सेक्शन 72 में ही की गई है। तो वो पैनल लायर हो, शासकीय अधिवक्ता हो, जिला शासकीय अधिवक्ता, रेवेन्यू का, राजस्व का, तो अधिवक्ताओं को लेकर के जो वो या उनकी नियुक्ति को लेकर के चाहे वो कलेक्टर महोदय करें या राज्य सरकार करें, वो सेक्शन 72 में ही व्यवस्था दी गई है। तो उस प्रावधान को आप एक बार देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। अब चैप्टर चेंज होता है, राजस्व संहिता के अंतर्गत खातेदारों के कितने वर्ग बताए गए हैं? तो खातेदारों के 4 वर्ग बताए गए हैं और वह भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से हैं। किस धारा में खातेदारों की श्रेणियां दी गई हैं? ये वर्ग या श्रेणी एक ही बात है। तो सेक्शन 74 है जिसमें खातेदारों की श्रेणियों की श्रेणियां दी गई हैं या उनके प्रकार दिए गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें पूछा गया है कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कितनी अवधि तक ऐसा भूमिधर रहने पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा? ये क्वेश्चन सेक्शन 76 के क्लास 2 और क्लास 3 दोनों से है। सेक्शन 76 के क्लास 2 में बताया गया है कि कोई ऐसा असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर जो संहिता के लागू होने के पूर्व से असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है, यानी कि 11/2/2016 के पूर्व से या उस तारीख में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है, तो वो 5 वर्ष के समाप्ति के पश्चात उस संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बन जाएगा। सेक्शन 76 के क्लास 3 में बताया गया है कि
असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदर, वो व्यक्ति जो संहिता के लागू होने के पश्चात, तो बिफोर और आफ्टर का मैटर है, क्लास टू में बिफोर और क्लास थ्री में आफ्टर बताया गया है। तो संहिता के प्रवर्तन में आने के पश्चात कोई व्यक्ति जो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदर है, वो 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदर बन जाएगा। ये व्यवस्था तो उसमें दी गई है। हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें ना तो बिफोर है और न ही आफ्टर है। तो चूंकि दोनों में टाइम में डिफरेंस है, दोनों टाइम डिफरेंट हैं आपस में, और हमारे क्वेश्चन में ना बिफोर है ना आफ्टर है, वो सीधे पूछा गया है कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदर कितनी अवधि तक ऐसा भूमिदर रहने पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति अब यह आएगी कि ये हम 5 वर्ष लगाएं या 10 वर्ष लगाएं। तो जब बिफोर और आफ्टर नहीं पूछ रहा है, तो जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम है संक्रमणीय अधिकार वाला बनने के लिए, फिर हमें वो आंसर करना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर 10 वर्ष होना चाहिए। अगर इसमें बिफोर और आफ्टर है, क्लियर है, तो अगर बिफोर है तो आप 5 वर्ष टिक कर दें, और यदि इसमें आफ्टर है तो फिर आप 10 ईयर्स इसको आप टिक कर दें। तो ये रहा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का सेकंड पार्ट, और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, या और कुछ बेहतर आप चाहते हैं, या इसमें कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ आपके पास सुझाव हैं तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उतना बेहतर करने के लिए। और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।